अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहु। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों और साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में मैं ऐसा वाक़िया लेकर के आया हूँ जो हर मुसलमान को सुनना जानना बेहद ज़रूरी है। हर मुसलमान इस वीडियो को आखिर तक देखे, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बहुत ही प्यारा वाक़िया जो कुरान मजीद से मैंने लिया है। यकीनन जब आप इस वाक़िया को सुनेंगे तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इस वाक़िया में आप हज़रात को मैं बताऊंगा कि किस तरह से हज़रत मरियम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है जन्म दिया, और साथ ही साथ मैं आप हज़रात को बताऊंगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन के थे तो किस तरह से आपने जो है अपनी कौम से ख़िताब किया जो आपकी माँ पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे थे, गलत तोहमत लगा रहे थे। दोस्तों और साथियों, आइए सबसे पहले मैं आप हज़रात से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो में आप हज़रात बने रहें और अभी इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों देखिए, हज़रत मरियम जब जवान हुई तो एक बार उनको खूबसूरत आदमी की शक्ल में खुदा का फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम नज़र आया। क़ुरान पाक में है, तो उसकी तरफ हमने रूहानी जिब्रील भेजा, वो उसके सामने एक तंदुरुस्त बशर बनकर जाहिर हुआ। मरियम घबरा गईं और कहा, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ, अगर तुझे खुदा का डर है। जिब्रील ने कहा, मैं इंसान नहीं बल्कि मैं तो तेरे रब का भेजा हुआ हूँ ताकि मैं तुम्हें एक सुथरा बेटा दूँ। बोली, ये क्यों कर होगा, मुझे तो किसी आदमी ने हाथ नहीं लगाया, ना मैं बदकार हूँ। फरिश्ते ने कहा, यूं ही तेरे रब ने फरमाया है कि मुझे आसान है, वो अपनी कुदरत कामिला से बग़ैर बाप के बच्चा पैदा कर सकता है। वो फरमाता है कि हम इस तरह बच्चा पैदा फरमाकर इस बच्चे को लोगों के वास्ते निशानी बनाएंगे। तब जिब्रील ने उनके कुर्ते की गिरेबान में दम कर दिया, यानी फूंक दिया। उसके बाद मरियम को हमल हो गया। उस वक्त आपकी उम्र शरीफ 13 साल की थी। सबसे पहले जिस शख्स को हज़रत मरियम के हमल का इल्म हुआ वो उनका चचाजाद भाई यूसुफ नज्जार है, जो मस्जिद बैतुल मुकद्दस का खादिम था और बहुत बड़ा आबिद शख्स था। उसको जब मालूम हुआ कि मरियम हामिला हैं तो नहायत हैरत हुई। जब चाहता था कि उन पर तुहमत लगाए तो उनकी इबादत, जुहद व तखबा और हर वक्त का हाजिर रहना, किसी वक्त गायब ना होना याद करके खामोश हो जाता था, और जब हमल का ख्याल करता था तो उसको बड़ी ख्याल करना मुश्किल नज़र आता था। बिलाखिर उसने हज़रत मरियम से कहा कि मेरे दिल में एक बात आई है, हर चंद चाहता हूँ कि ज़बान पर ना लाऊं, मगर अब सब्र नहीं होता। आप इजाज़त दें कि मैं कह दूं और ताकि मेरे दिल की परेशानी दूर हो जाए। हज़रत मरियम ने कहा, अच्छी बात है, कहो। तो उसने कहा कि ऐ मरियम, मुझे बताओ कि क्या खेती बगैर बीज और दरख्त बगैर बारिश और बच्चा बगैर बाप के पैदा हो सकता है? हज़रत मरियम ने फरमाया कि हाँ, तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने जो सबसे पहले खेती पैदा की और दरख्त अपनी कुदरत से बग़ैर बारिश के उगाए, क्या तू ये कह सकता है कि अल्लाह पानी की मदद के बग़ैर दरख्त पैदा करने पर कादिर नहीं? यूसुफ ने कहा, मैं तो ये नहीं कह सकता, बेशक मैं इसका कायल हूँ कि अल्लाह हर शय पर कादिर है, जिसे कुन फरमाए वो हो जाती है। हज़रत मरियम ने कहा, क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी को बग़ैर माँ बाप के पैदा किया? हज़रत मरियम के इस कलाम से यूसुफ का शुबा दूर हो गया, और हज़रत मरियम हमल के सबब से कमज़ोर हो गई थी, इसलिए खिदमत मस्जिद में यूसुफ उनकी नियाबत करने लगा। अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम को इल्हाम किया कि वो अपनी कौम से अलैहदा चली जाएं, इसलिए वो बैतुल लहम में चली गईं। फिर उसे दर्द खजूर की जड़ में ले आया। इस खजूर का दरख्त बिल्कुल खुश्क हो चुका था, और ये एक ऐसी वीरान जगह थी जहाँ पानी का नामो निशान नहीं था, ना कुछ खाने का सामान था। ऐसी जगह पहुंचकर आपने खुश्क खजूर के दरख्त की जड़ से टेक लगाई और फजीयत के ख्याल से फरमाया, हाय, किसी तरह मैं इससे पहले मर गई होती। ऐसे वक्त में खुदा ताला ने हज़रत मरियम की मदद फरमाई, तो जिब्रील ने वादी की शेप से आवाज़ दी, तेरे रब ने
तेरे नीचे नहर बहा दी है। हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आपने अपनी एड़ी ज़मीन पर मारी तो आबे शीरी का चश्मा जारी हो गया, तो पीने का इंतज़ाम फरमाया और खाने के लिए फरमाया और खजूर की जड़ पकड़कर अपनी तरफ हिला तुझ पर ताज़ी पकी खजूरें गिरेंगी, तो खा और पी और आँख ठंडी रख, फिर तू अगर किसी आदमी को देखे और कुछ पूछे तो इशारे से कह देना कि मैंने आज का दिन चुप रहने का रोज़ा रखा है, इसलिए आज किसी से बात ना करूँगी। इसके बाद जब आप ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में लिए अपनी कौम के पास आई तो वो बोले ऐ मरियम, तूने बहुत बुरी बात की। ऐ हारून की बहन, तेरा बाप बुरा आदमी ना था और ना तेरी माँ बदकार थी, तुमने ये क्या किया? उस पर मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया कि उसी से पूछ लो बात क्या है। वो बोले, हम क्या पागल हैं जो एक दिन के बच्चे से, जो अभी पालने में भी बच्चा है, बात करेंगे? आपने इशारा किया कि तुम उससे पूछो तो उन्होंने पूछा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहले रोज़ ही बोल उठे, सुबहानअल्लाह, कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया और मुबारक बनाया, मैं कहीं हूँ और मुझे नमाज और ज़कात की ताकीद फरमाई, मैं जब तक जीऊँ और अपनी माँ से अच्छा सलूक करने वाला और मुझे ज़बरदस्त बदबخت ना किया, और सलामती हो मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन विसाल हो और जिस दिन ज़िंदा उठाया जाऊँ। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह कलाम फरमाया तो लोगों को हज़रत मरियम की बराअत व तहारत का यकीन हो गया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इतना फरमाकर खामोश हो गए और उसके बाद कलाम ना किया जब तक कि इस उम्र को पहुँचे जिसमें बच्चे बोलने लगते हैं। दोस्तों और साथियों, देखिए, आपने ये सुना वाकया, अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम को बग़ैर बाप के बच्चा अता फरमाया और ये उसकी कुदरत कामिला की निशानी है। आम कानून तो ये है कि माँ बाप दोनों के होते हुए बच्चा पैदा होता है, मगर खुदा ताला किसी कानून का पाबंद नहीं, कानून उसका पाबंद है, वो चाहे तो बग़ैर बाप के भी बच्चा पैदा कर सकता है, जैसा कि उसने हज़रत मरियम के यहाँ बच्चा पैदा कर दिया और फरमाया, ये बात मेरे लिए आसान है। अगर कोई शख्स ये ख्याल करे कि ईसा अलैहिस्सलाम बाप के बग़ैर पैदा हुए लेकिन माँ तो उनकी थी, यानी माँ का होना ज़रूरी है, तो अल्लाह ताला ने हज़रत हव्वा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा फरमाकर बता दिया कि बग़ैर माँ के भी बच्चा पैदा कर सकता हूँ। और अगर कोई ये ख्याल करे कि माँ बाप में से कम एक का होना ज़रूरी है, तो खुदा ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के पैदा फरमाकर बता दिया कि मैं बग़ैर माँ बाप के भी बच्चा पैदा कर सकता हूँ। हज़रत आदम और हव्वा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और अल्लाह की कुदरत कामिला का नमूना है। वैसे आम कानून यही है कि माँ बाप के होते हुए बच्चा पैदा होता है।